कार्तिक पूर्णिमा पर मां गंगा का लिया आशीर्वाद। कानपुर। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मां गंगा के पावन तट पर श्री सहस्त्रबाहु आश्रम कोयला घाट कैंट में दीपदान एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं दीपदान के इस कार्यक्रम में दीपों की श्रृंखला से पूरे आश्रम परिसर को दीपों से सजाया गया। महामंत्री धर्मेश सिंह ने बताया कि मां गंगा के पावन तट को सजाया गया है, जो पूरे आश्रम परिसर का दृश्य लोग देखते ही रह गए। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण आश्रम में भगवान का आज ऐसा लग रहा था जैसे उनका वास हुआ है। आपको बता दें कि यह वंशी क्षत्रिय युवा मंच न्यास भारत द्वारा 5 वर्षों से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम लोग वरिष्ठ जनों का सम्मान करते हैं, जहां शहर के गणमान्य लोग मौजूद होते हैं। इस अवसर पर अध्यक्ष आशीष सिंह, महामंत्री धर्मेश सिंह, अमित सिंह, गौरव सिंह, उपाध्यक्ष अंकित वर्मा, सचिन सिंह, सुधीर सिंह, नितिन सिंह, दीपक वर्मा, रंजीत सिंह, सियाराम, चंदन सिंह, दुर्गेश सिंह, प्रशांत सिंह, महिला मंडल से रानी नीलम सिंह, अलका वर्मा, ज्योति सिंह, दीपाली सिंह, प्रोफेसर सिंह, मोनिका सिंह, शगुन वर्मा, आरती सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। महोत्सव मना रहे हैं और चूंकि तमाम श्रद्धालु गंगा स्नान को आते हैं, तो इस वजह से आज इतना रस और इतना माहौल यहाँ पर प्राकृतिक बना हुआ है, जिसको कि आप लोग सब देख रहे हैं। माँ गंगा का पावन तट है, बूढ़े बरगद हैं, गाय बछड़ों का मेला है, सभी कुछ यहाँ पर है, तो आनंद का विभोर और आनंद का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। आज हमारे जो ऐसे महान भाव हैं जिन्होंने इस मंदिर निर्माण में सहयोग किया है, आज हम उनका सम्मान समारोह भी कर रहे हैं और माता के भजन कीर्तन और भंडारे का भी आयोजन कर रहे हैं।